हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, आज है 17 नवंबर और आज से आप लोगों को अगर याद होगा तो एडमिट कार्ड आने वाला था कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का। तो अभी अगर हम एडमिट कार्ड सेक्शन में आते हैं सरकारी रिजल्ट पे, तो देखिए ये आ चुका है कोस्ट गार्ड नाविक डीबी 1/2020 बैच एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो सारी दी गई हैं। लास्ट डेट 8 नवंबर थी। अब यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट बाई कैंडिडेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ नाविक डीबी 1/2020 बैच एंड साइंड अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट। और यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर, ये दिया गया पीडीएफ, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो। एक और चीज़ की, बहुत सारे लोग, मैंने 2-3 वीडियो देखी यूट्यूब पे कि क्या सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो बिल्कुल नहीं, सबका नहीं आया है। जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड आया है। वैसे एक मेरे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको डाल करके देखता हूं मैं कि वो एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पुट कर दिया है डिटेल्स को। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले क्या था, पहले सिर्फ आपको अपनी जो ईमेल आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर था उसे ही डालना था और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड शो हो जाता था। लेकिन अभी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंपलसरी कर दिया, उसको भी आपको पुट करना होगा। और उसके बाद जो ये है पिन आपके सामने, यानी कि जो नंबर कोड दिया गया है, इसको भी पुट करने के बाद ही आप देख सकते हो अपना एडमिट कार्ड। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कोई भी किसी का भी एडमिट कार्ड ना देख पाए। ठीक है, अभी मैं क्लिक करता हूँ गेट डिटेल्स पे, देखते हैं क्या होता है। ओके, और यहाँ पर क्लिक करा मैंने, एक मिनट, गलत हो गई है मेरी जो पिन थी वो। तो गाइस अभी मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अभी गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ मैं। तो गाइस गलती हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर में थी। अभी मैं क्लिक करता हूँ गेट डिटेल्स पे और ये देखिए डिटेल सामने आ गई। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके सामने है और रोल नंबर, वेन्यू, शेड्यूल, और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी यू आर नॉट मीटिंग शॉर्ट लिस्टिंग क्रिटेरिया फॉर एडमिट कार्ड। यानी कि ये जो मैंने डाला है मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। अगर एडमिट कार्ड आता तो यहाँ पे रोल नंबर, वेन्यू और शेड्यूल सब कुछ होता। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती, वो क्या कि अपना एडमिट कार्ड, यानी कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर पाते एडमिट कार्ड को। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा होगा। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो अभी आकर के चेक कर सकते हो, वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रही है। और बाद में भी चाहो तो आप बाद में भी कर सकते हो, मेरा काम था आपको बता देना और आपका काम है आकर के चेक कर लेना और बताना कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। अगर आया है तो कहां से हो आप और कितने परसेंट पे आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो इस वीडियो में ही बताना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।